गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून मेहता सर। सर, आज इंडियन पेनल कोड 1860 में जो मेजर चेंजेस हुए हैं एबीएनएस 2023 के माध्यम से, उस पर आप थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा हम लोगों को, हमें जानकारी हो। राइट सो मेहता साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन टुडे। बीएनएस 2023 ने रिप्लेस किया है आईपीसी को, आईपीसी 1860, और इसको 163 साल चला, 163 ईयर्स के बाद में ये चेंज आया है, और अभी तक इसकी डेट और नोटिफिकेशन नहीं आई, वो जल्दी आने वाली है। ठीक है सर। है, और जो आपने कहा कि इसके इम्पोर्टेंट चेंजेज हैं, तो इन जो इम्पोर्टेंट चेंजेज को हम 10 पार्ट्स में बांटते हैं। ओके, जैसे जी हमने कल पहला पार्ट बताया था, कम्युनिटी सर्विस पेटी ऑफेंसेस सेक्शन 4 में लिया गया है। ठीक है ना। और ये कौन सी पेटी ऑफेंसेस हैं जो कल हमने बताए थे, शायद आपको याद होगा, लेकिन जिसने पहली बार ऑफेंस किया है इसको हम पेटी ऑफेंस कहते हैं, है ना, जी जो बेलेबल होता है और पेटी ऑफेंसेस है, पहली बार में आया तो उसको सेक्शन 4 में डाला गया है। राइट। जी नंबर 2 जो चेंज आया है, आपने देखा होगा, मॉब लिंचिंग के ऊपर पहले कोई प्रोविजन नहीं था, और मॉब लिंचिंग के केसेस पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, और इसको प्रॉपरली आईपीसी में डिफाइन करने के लिए प्रोविजन नहीं था, तो इसके लिए बीएनएस 2023 में सेक्शन 103(2) डाला गया, न्यू प्रोविजन के नाम से। राइट। जी और तीसरा चेंज बताता हूँ, न्यू ऑफेंस फॉर ऑर्गेनाइज क्राइम। अभी देखो, ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत बड़ा है, न्यू ऑफेंस भी हुआ है, इसके लिए सेक्शन 111 डाला गया। राइट। इसी तरह से न्यू ऑफेंसेस ऑफ टेररिस्ट एक्ट, टेररिस्ट एक्ट के लिए भी इन्होंने एक नया एरिया लाए हैं जिसको डाला गया। ठीक है। हिट एंड रन का आपने सुना होगा, अभी पीछे ट्रक वाले स्ट्राइक पे जा रहे थे और बहुत जी सारे थे ड्राइवर लोग। हिट एंड रन का जो था, पहले कैजुअल होता था, मार के चला गया, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई किसी तरह की एफआईआर नहीं है, लेकिन अब हिट एंड रन में यदि कोई भी पनिशमेंट है तो इसके लिए पनिशमेंट प्रॉपर कर दिया गया है, और इसके लिए प्रॉपर आईपीसी सॉरी बीएनएस 2023 में जगह दी गई है, सो दैट कि यदि किसी से एक्सीडेंट हो जाता है जानबूझ के या बिना जान पहचाने, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि जिस आदमी की चोट लगी है उसको देखे, रोक के गाड़ी और उसको हॉस्पिटल में पहुंचाए, ताकि लगे कि हाँ इसने कोई जानबूझ के नहीं किया है। ठीक है सर। नेक्स्ट हम बताना चाहते हैं कि सेडिशन पहले होता था, आपको पता होगा, सेक्शन 124(a) दैट वाज राष्ट्रद्रोह को बदल दिया, इसको ट्रेजन कर दिया गया, ट्रेजन, और इसको सेक्शन 150 में डाला गया है देशद्रोह के नाम से। किस नाम से? देशद्रोह के नाम से डाला है देशद्रोह। हालांकि कोई बात लगभग एक ही है, लेकिन 124(a) था वो अंग्रेजों के पीरियड का था, और हमारे भारतीय शासकों ने भी स्वतंत्रता के बाद उसको यूज और मिसयूज किया खूब। आपने देखा होगा पिछले केसेस हैं, कुछ हम बताना नहीं चाहते हैं, कि बिना कारण के डाल दिया 124(a) लगा के, हालांकि उसका प्रोसीजर था, इसका अप्रूवल चाहिए, ये चाहिए, वही चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो चाहती है वही होता है, और वो केसेस बाद में छूटे भी, बहुत यूपी में तो बहुत ज़्यादा वो छूटे हैं, बाकायदा ऑर्डर हो गए, है सर। तो इस तरह से इसके लिए नया सेक्शन 150 आया है ना, ये आ गया। अगला है, 8th पॉइंट है कि आपने देखो, पहले फेक करेंसी जब को रखने में पनिशेबल था, लेकिन ये अब फेक करेंसी किसी के पास मिलती है, सो दिस इज नो मोर ए पनिशेबल क्राइम, फेक करेंसी, है ना। पहले थेफ्ट का स्कोप एक बिल्कुल डिफाइंड था टेंजिबल एसेट के लिए, नाउ इट हैज बीन एक्सपेंडेड एंड इवन इनटेंजिबल आइटम्स कैन बी कवर्ड अंडर थेफ्ट, व्हेन वी टॉक ऑफ इनटेंजिबल वन, कॉपीराइट जैसा है, रॉयल्टी है आदि आदि, है ना। ठीक है ना। आपने देखो, पहले स्नेचिंग कहीं कवर्ड नहीं थी, इसको स्नेचिंग को कवर किस में करते थे, रॉबरी में या थेफ्ट में कवर करते थे,
और अब इसके लिए सेक्शन 304 के तहत स्नैचिंग को एक अलग से ही अपराध बना दिया गया है, और जिसमें 304 में इसको कवर किया गया है। स्नैचिंग में अब रॉबरी में या उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने देखा वो जो पोर्ट पेटी ऑफेंसेस थे जिनको सेक्शन 4 में डाला है कम्युनिटी सर्विस के नाम से, मॉब लिंचिंग का नया ऐड किया है, इसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, आप समझते हैं कैस क्या होता है और पहले इसके लिए वो नहीं होता था, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट एक्ट है, हिट एंड रन का केस है, और ये कभी प्रज्वलित इशूज़ थे कि जिनके ऊपर कन्फ्यूजन होता था और प्रॉपर नहीं होता था। तो BNS 2023 माने भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसको पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट का भी अप्रूवल मिल गया है, लेकिन अभी डेट ऑफ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने नहीं दी है। और आपको एक और बता दें, एक और पनिशमेंट है जो कई जगह पर स्कैटर्ड था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जहाँ वर्ड आता था अब उसकी पूरी 20 साल कर दी गई है ना, 20 साल को डिफाइन कर दिया गया कि 20 साल होगा तो इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहा जाएगा। इसी तरह से और भी पनिशमेंट थे, शायद आपने देखा हो वॉयरिज्म था जो पहले 354 ABCD था, उसकी जगह पे नया क्लॉज लाके खड़ा कर दिया गया वॉयरिज्म के लिए, ठीक है नहीं, और वो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और उससे क्या हुआ है कि एक सेक्शन 77 और 76, लेकिन इसमें न्यूट्रल कर दिया है जेंडर न्यूट्रल या डिस्टर्बिंग ऑफ मैन और वुमेन, और झांकना ताकना किसी को इस तरह की कंडीशन में, इसको वॉयरिज्म है, इसको कवर कर दिया है। सो दीज आर दी मेजर चेंजेस मेहता साहब, और आपका जो ध्यान इस तरफ जाता है कि नए चेंजेस के ऊपर, इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आपके LLB और BLLB के बच्चे हो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या धीरे धीरे करके जो चेंजेस पता चलेंगे, जिससे क्या होगा IPC आसान हो जाएगी, जिसे IPC अब इसको हम PNS कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता कहते हैं। और आप ध्यान रखिए आने वाले समय में जब ये लागू हो जाएगी, चाहे PCA जुडिशरी का कंपटीशन हो या इवन सिविल सर्विसेज का हो या आपका APO का हो और चाहे कोई भी हो, तो आप देखिए इसमें से क्वेश्चन आना बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, क्योंकि इसको पॉपुलर बनाना है, पॉपुलर बनाने के लिए एजुकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जोड़ा जाए, ऐसे करके ये होगा। और आई एम श्योर ये सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपने देखा होगा अटेम्प्ट अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी के लिए चैप्टर 5 को जो 4 जोड़ दिया गया है, ये भी बहुत ज़रूरी था। तो इस तरह से हमें ये सारी चीज़ें करना है। IPC जो 511 सेक्शन थे उनको 358 कर दिए गए, क्योंकि स्कैटर्ड थे, जैसे अटेम्प्ट स्कैटर्ड था 307, 308, 309, 511, तो इसको इन्होंने एक चैप्टर ही बना दिया। अवेटमेंट 107 से 120 तक था, अब अवेटमेंट में ये और जोड़ दिया, एनीबडी सिटिंग आउटसाइड एंड अवेटिंग एनीबडी इन साइड इंडिया फॉर डूइंग एनीथिंग एनी ऑफेंस इट इज़ ऑल्सो कवर्ड। कॉन्स्पिरेसी को भी इन्होंने प्रॉपर डिफाइन किया। इस तरह से मेहता साहब ये है, एंड आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स बेनिफिटेड होंगे और समाज में एक नई अवेकनिंग आएगी। और आई एम वेरी श्योर कि जो चेंजेज आए बहुत आवश्यक थे, क्योंकि 163 साल हमने अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई हुई IPC जो इंडिया विशेषकर कॉलोनियल कंट्रीज़ के लिए बनी थी, उसका चेंजेज आए हैं। तो इसके साथ मैं चाहता हूँ जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, इसको पढ़ें और कहीं भी कोई डाउट है पूछें, और हमारा जो चैनल है ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस पर सारे इम्पोर्टेंट चेंजेज आ रहे हैं। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ सभी के उज्जवल भविष्य के लिए, जो भी बच्चे एग्ज़ाम या कंपटीशन में आएंगे, ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं धीरे धीरे करके, ये हमारा सेकंड वीडियो था, कल हमने एक वीडियो डाला था और ये सेकंड है, एंड आई एम श्योर इट विल बेनिफिट मैनी स्टूडेंट्स। लेट अस शेयर इट मैक्सिमम एंड लेट अस सब्सक्राइब। सो थैंक यू वेरी मच।